कर टाइम्स के सभी पाठकों व दर्शकों का टाइम्स की विशेष पेशकश आपनों गांव आपनी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत अभिनंदन। आइए देखते हैं आज 12 अप्रैल 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबरें। बीकानेर बना कोरोना हॉटस्पॉट, एक साथ 8 पॉजिटिव। गंगा शहर में भी लगा कर्फ्यू। तहसील क्षेत्र में 7 गाँव में खरीद केंद्र बनाने की घोषणा के बाद अब इस बार 7 गाँव में होगी सरकारी खरीद। सोमवार से लाइसेंस देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। विधायक मैया ने जताया आभार। बिना पौष्टिक खाने, बिना फूल मालाओं और बिना सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के ये कोरोना के कर्मवीर लड़ रहे हैं हर गली हर सड़क पर। सेवा में जुटे हैं भामाशाह। उपखंड अधिकारी संभाल रहे हैं आइसोलेशन सेंटर। आपनों गांव श्री डूंगरगढ़ सेवा समिति ने बांटे मास्क। जैसलसर में ई मित्र संचालक ग्रामीणों को समझा रहे हैं लॉकडाउन का पालन करना। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। बीकानेर में कोरोना का संक्रमण अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह बीकानेर में कोरोना वायरस संक्रमितों के एक साथ 8 पॉजिटिव मामले सामने आए, जिससे पूरे जिले में हड़कंप समझ गया। ये आंकड़ा अब बढ़कर 34 तक पहुंच गया है। नए आए पॉजिटिव केस में से 7 कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ठंडेरा क्षेत्र तथा एक केस गंगा शहर का है। उसके बाद गंगा शहर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का अमला पहुंचा और जांच अभियान शुरू किया गया है। सीएमएचओ वहां स्वयं मौजूद है और जिला कलेक्टर ने कर्फ्यू की घोषणा करते हुए 1 किलोमीटर के क्षेत्र को बिल्कुल सीज कर दिया है। चिकित्सा विभाग के अनुसार बीकानेर में मिले पॉजिटिव मरीजों में 30 ठंडेरा मोहल्ले के हैं तथा 3 रानीबास और 1 गंगा शहर क्षेत्र का है। पॉजिटिव 29 मरीज कोरोना पॉजिटिव मृतक महिला के रिश्तेदार ही है। राज्य सरकार ने क्षेत्र में किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए और एक ही केंद्र पर भीड़ नहीं होने देने के लिए तहसील क्षेत्र में 7 गांव में खरीद केंद्र बनाने की घोषणा की है। खरीद 1 मई के बाद शुरू होगी एवं आने वाले 15 दिनों में खरीद संबंधी अन्य सभी जानकारियां राज्य सरकार द्वारा दे दी जाएगी। क्षेत्र के गांव रीढ़ी, दुसारणा, बापे, बड़जांगसर, सोनियासर, उपनी और मोमासर में खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। केवल श्री डूंगरगढ़ में एक ही खरीद केंद्र होने के कारण हजारों की संख्या में किसान श्री डूंगरगढ़ अपनी उपज बेचने आते थे। अब किसान अपनी सहूलियत से अपनी उपज को नजदीकी मंडी में बेच सकेंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी घोषणा की गई, क्षेत्र के गांव रीढ़ी और मोमासर में गौण कृषि मंडियों का विकास किया जाएगा। इन गांवों में ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा इन मंडियों को विकसित किया जाएगा एवं श्री डूंगरगढ़ कृषि मंडी से अनुबंधित इन मंडियों को लाइसेंस देने का कार्य सोमवार से ही शुरू हो जाएगा। हालांकि श्री डूंगरगढ़ मंडी के व्यापारियों ने इसे उपखंड स्तरीय मंडियों को समाप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा बढ़ाया गया कदम बताया है। श्री डूंगरगढ़ कृषि मंडी के व्यापारी किशन खिलेरी ने छोटी मंडियों के माध्यम से किसानों को पूरे भाव नहीं मिलने और किसानों का शोषण होने के साथ साथ उपखंड स्तरीय मंडी के बुरी तरह से प्रभावित होने की बात कही है। वहीं ग्रामीण स्तर पर खरीद केंद्र स्वीकृत करने पर विधायक गिरधारी लाल मैया ने केंद्र व राज्य सरकार का आभार जताया है। मैया ने कहा कि वर्तमान हालात में ये किसानों के लिए राहत भरा फैसला है। आज बात करते हैं कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले ऐसे कर्मवीरों की जिनके द्वारा लॉकडाउन में काम करने की समय सीमा भी तय नहीं है। ये योद्धा आज सुबह से देर रात तक काम में जुटे हुए हैं और कोरोना महामारी की इस भयावहता को जानते हुए अपनी जान हथेली पर लेकर ये कर्मवीर गली गली आपके शहर की हर सड़क को सोडियम क्लोराइड से सैनिटाइज कर रहे हैं, नालियों में जहर का छिड़काव कर रहे हैं, अपने शहर के हर नाले को ढकने में और उनकी सफाइयों करने में जुटे हुए हैं। कहीं कोई कोरोना हमारे क्षेत्र में प्रवेश ना कर पाए, इसलिए ये अपना कर्म कर रहे हैं चुपचाप भी और गुमनाम भी। टाइम्स की टीम ग्राउंड पर काम करने वाले इन कर्मवीरों को सैल्यूट करती है। नगर पालिका ईओ भवानी शंकर व्यास, सफाई निरीक्षक कानूराम चामरिया और जमादार सुनील मलगढ़ की अगुवाई में ये सभी कर्मवीर उत्साह से अपना कर्म योगदान देने में जुटे हुए हैं। आपनों गांव श्री डूंगरगढ़ सेवा समिति ने तहसील क्षेत्र में 2,550 मास्कों के वितरण का लक्ष्य रखा है।
समिति गांव में बने आइसोलेशन सेंटरों पर शनिवार को 752 मास्कों का वितरण किया। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते दो दो सेवादार अपनी सेवाएं देने में जुटे हुए हैं। 2550 मास्क समिति को वितरण हेतु दादा टेलर व लेडी लाइक फर्म व पवन सोमाणी ने निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं। आज जुगल किशोर तामणिया ने गांव उद्रासर में 43 राशन किट बांटे। तामणिया शहर सहित ग्रामीण इलाकों में गरीबों को राशन किट देने का कार्य लगातार कर रहे हैं। उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल भी क्षेत्र के सभी आइसोलेशन सेंटर पर पहुंचकर कार्मिकों को संभाल रहे हैं व उन्हें सैनिटाइजर देते हुए उनका उत्साह भी बढ़ा रहे हैं। क्षेत्र के गांव जैसलसर में सिद्धि विनायक ई मित्र केंद्र जो BOB BC के माध्यम से सईरा मेघवाल लोगों को बैंक संबंधी सेवाएं दे रहे हैं और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं। वे अपने यहां आने वाले सभी ग्राहकों को कोरोना के खतरे से अवगत करवाते हुए बार बार हाथ धोने और मास्क पहनने संबंधी समझाइश भी कर रहे हैं। श्री डूंगरगढ़ तहसील क्षेत्र के सभी सामाजिक, राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समाचारों को प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।